छत से झूलते हुए वो पूरी दुनिया पर नजर रखता है। जाल बुनते हुए अपने शिकार को वो पूरी तरह से फंसाता है। ये है वॉल क्रॉलर, वेब स्लिंगर, बेमिसाल और साथ ही शानदार। ये और कोई नहीं बल्कि आपका अपना पड़ोसी दोस्त है स्पाइडर। मैं जानता हूँ ये स्पाइडरमैन नहीं है, लेकिन हमारे सुपर हीरो की तरह स्पाइडर्स को भी एक जरूरी काम करना होता है। तो चलिए दोस्तों, आज इस नन्हे जीव के बारे में जानते हैं, ज़ोमैन। हालांकि दोस्तों, स्पाइडर से कई लोगों को डर लग सकता है, लेकिन असल में ये बहुत ही दिलचस्प जीव होते हैं। ये बात शायद आपको हैरान कर दे, लेकिन स्पाइडर्स कीड़े बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि स्पाइडर्स को कहा जाता है अरैकनिड्स, क्योंकि इनमें तीन बॉडी सेगमेंट्स की जगह बस दो ही होते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन, माइट्स और टिक्स की तरह। दोस्तों, अभी हम स्पाइडर्स की करीब 38,000 विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। एक रिसर्च का अनुमान है कि आप एक स्पाइडर से कभी भी 10 फीट से ज्यादा दूर नहीं होते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, ज्यादातर समय वो खुद कहीं छुपे रहते हैं, कहीं दरारों में और अपने काम में लगे रहते हैं। सभी स्पाइडर्स सिल्क बुनते हैं, जो उनके पेट की स्पिनर रेट ग्लैंड से ओरिजिनेट करता है, और हर ग्लैंड अलग तरह का सिल्क प्रोड्यूस करती है। कुछ होते हैं स्टिकी, कुछ फाइन और कुछ जाल के अलग अलग हिस्सों को बनाने के लिए। स्पाइडर सिल्क बहुत मजबूत होता है और इसे ऐसा होना भी चाहिए शिकार को फंसाने के लिए और बेबी स्पाइडर्स को बचाने के लिए। दोस्तों, कुछ प्रजातियों के बहुत छोटे स्पाइडर्स अपने बनाए सिल्क की मदद से हवा में तैरते हुए ट्रैवल करते हैं और इस तरह से एक नए घर तक पहुंच जाते हैं, और इस प्रक्रिया को कहते हैं बलूनिंग। वाह, काश मैं भी ऐसा कर सकता। एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए स्पाइडर्स का होना जरूरी है। वो हानिकारक कीड़ों को खाते हैं, जैसे मच्छर और मक्खियां। ये पौधों को पॉलिनेट करते हैं और मृत जानवरों और पौधों को वापस पृथ्वी में रिसाइकल करते हैं। अगर स्पाइडर्स नहीं होते तो पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाती। ट्रिविया टाइम। क्या आप जानते हैं कि स्पाइडर्स का ब्लू ब्लड होता है? ओह, और हाँ, क्या आपको पता है कि स्पाइडर्स से होने वाले डर को अरैकनोफोबिया कहते हैं? लेकिन आप डरिए मत दोस्तों, सारे स्पाइडर्स हार्मफुल नहीं होते हैं। ज्यादातर स्पाइडर्स इंसानों को नहीं काटते हैं, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जहर इतना खतरनाक नहीं होता है कि उससे कोई नुकसान हो। वैसे दोस्तों, आपको ये बताते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जैसा मूवी में दिखाया जाता है कि किसी स्पाइडर के काटने से आप स्पाइडरमैन बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आउच, तुम बहुत शरारती हो। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्तों, हमने इन थोड़े कम फ्रेंडली पड़ोसी स्पाइडर्स के बारे में कुछ नई बातें सीखी। तो कुछ और मजेदार बातों के लिए फिर से मिलेंगे। अब मैं चलता हूँ, ज़ूमिंग आउट।